नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं Realme कंपनी का पहला फिटनेस बैंड। मैं ऐसे ही नए नए गैजेट का रिव्यू आपके लिए हमेशा लाते रहता हूं, इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ इस Realme कंपनी का जो फिटनेस बैंड है, जो पहला फिटनेस बैंड है, इसके बारे में। मैंने इसे कुछ दिन पहले मंगवाया था और मैंने इसे कुछ दिन यूज किया। यूज करने के बाद इसके बारे में सब कुछ जानकर, बढ़िया से समझकर, और आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप भी इसे खरीदने से पहले इसके बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है जान लीजिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। ये Realme कंपनी का पहला फिटनेस बैंड है जिसकी कीमत कंपनी ने 1499 रुपए रखी है। जो भी ब्रांडेड कंपनी है उसमें ये सबसे कम कीमत है, तो देखना होगा कि उस कीमत के अनुसार ये सही है या नहीं है। अब इस बैंड के बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं, आप इसे हाथ में रखे या फिर हाथ में पहने, ये काफी ही सुंदर लगता है। जब आप इसे परचेज करते हैं, खरीदते हैं और ये आपके पास पहुंचती है, तो इसको आपको ऑन करना बड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि इसमें कोई ऑन बटन नहीं दी हुई है। इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले इसको आपको चार्जिंग में लगाना होगा। जैसे ही आप चार्जिंग में लगाते हैं, ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाती है और जब भी इसकी बैटरी 3% के आसपास पहुँचती है, ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाती है। अब इसके डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। डिस्प्ले की जहाँ तक बात है, कंपनी ने इसमें 0.96 इंच का LCD डिस्प्ले दिया है, जिसकी डिस्प्ले जो स्क्रीन है थोड़ा सा कर्वी है, जिसके चलते ये काफी सुंदर लगती है दूसरे बैंडों की अपेक्षा। इसमें टच स्क्रीन नहीं है जो इसकी बहुत बड़ी कमी है, लेकिन नीचे में देखिए यहाँ पे एक छोटा सा टच बटन दिया गया है जिससे ये पूरी तरह से कंट्रोल होती है। इसके फंक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस बटन से सिर्फ इसकी बेसिक फंक्शन ही कंट्रोल होगी। अब प्योर पूरी फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए मोबाइल से ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 80x160 पिक्सल का स्क्रीन रेजोल्यूशन दिया गया है। इसकी जो स्ट्रैप है काफी कंफर्टेबल लग रहा है और हमको लगता है ये ड्यूरेबल भी होगा क्योंकि इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। ये पूरा बॉडी जो है पॉलीकार्बोनेट फाइबर से बनी हुई है, जिसके कारण इसका वजन ओनली 20 ग्राम के आसपास है। 20 ग्राम होने के चलते इसको आप आराम से दिन भर आप आराम से पहन सकते हैं और रात में इसको पहनकर सो भी सकते हैं। चार्जिंग के लिए इसमें USB डायरेक्ट चार्ज का फंक्शन दिया गया है, जिसके चलते आपको अलग से कोई भी चार्जर एडेप्टर लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके ये जो स्ट्रैप है इसको आप ऐसे खोल कर इसमें USB डायरेक्ट चार्ज का फीचर है, जो इसको आप कहीं भी आप प्लग करके आप इसको चार्ज कर सकते हैं। आप इसको अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में भी इसको चार्ज कर सकते हैं या आपके यहाँ जो भी आपके मोबाइल का चार्जर है उसमें भी डाल के आप इसको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसका स्ट्रैप निकालना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, हमें लगता है कहीं टूट ना जाए। ये 3 कलर में आती है, ग्रीन, येलो और ब्लैक। ये IP68 वाटर रेजिस्टेंट सर्टिफाइड है, मतलब ये आप लगभग 1.5 मीटर वाटर डेप्थ को भी सह सकती है। इसके सेंसर काफी सेंसिटिव है, इसके रियल टाइम हार्ट रेट सेंसर काफी अच्छा है, जो यूजर के हार्ट रेट को थ्रोली हर 5 मिनट में चेक करता रहता है। इसमें इनबिल्ट ग्रेविटी सेंसर भी है जो आपके हाथ को लिफ्ट करते ही इस बैंड को पिकअप कर देती है। इसके अलावा इसमें 3-axis एक्सेलेरोमीटर, रोटोर वाइब्रेशन मोटर, स्पोर्ट मोड एंड हेल्थ मॉनिटर भी है। इस Realme बैंड में 9 तरह का स्पोर्ट मोड भी दिया गया है। इसमें रनिंग, वॉकिंग, हाइकिंग, क्लाइंबिंग, साइकिलिंग, योगा, स्पिनिंग, फिटनेस और स्पेशली इंडिया के लिए क्रिकेट मोड भी दिया गया है, लेकिन इस बैंड में सिर्फ 3 ही मोड डाल सकते हैं। इसमें यूजर को अपना हेल्थ रिकॉर्ड ट्रैक करने के लिए बहुत ही यूजर फ्रेंडली फीचर दी गई है।
कुछ दूसरे फीचर जैसे ऑटोमेटेड हार्ट रेट मेजरमेंट, 24 आवर रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटर, रेस्टिंग हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप डिटेक्शन, वाटर रिमाइंडर, सेडेंटरी रिमाइंडर एंड बेसिक एक्टिविटी स्टेट्स भी अच्छे हैं और एक्यूरेट हैं। बैटरी के बारे में बात करते हैं, इसमें 90 mAh का बैटरी दिया गया है जो थोड़ा कम है, थोड़ा सा और पावरफुल होना चाहिए था। कंपनी लिखती है कि लगभग 12 से 14 दिन चलती है, लेकिन मैं इसे यूज करने के बाद पता चला ये लगभग 6 से 9 दिन चलती है। मतलब अगर इसमें आपने हार्ट रेट सेंसर को एक्टिवेट करके रखते हैं तो ये लगभग 6 दिन चलती है, और उसको डिजेबल करके रखते हैं तो 9 दिन तक चल जाती है। इसमें ब्लूटूथ 4.2 कनेक्टिविटी दिया गया है जो आपके एंड्रॉयड 5 प्लस स्मार्टफोन या आईफोन से कनेक्ट हो जाती है। उसमें आप इसका रियलमी लिंक का एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड करके उसमें इससे कनेक्ट करके इसको बाकी फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 5 तरह का डायल फेस दिया गया है, जो लिमिट ही है, हो सकता है कि कंपनी बाद में इसको अपडेट करके और भी डायल फेस ऐड करे, पर अभी 5 तरह का है जिसमें रियलमी लिंक ऐप के द्वारा बैंड के इंटरफेस को अपने प्रेफरेंस के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें इनकमिंग कॉल, टेक्स्ट मैसेजेज, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि का नोटिफिकेशन अलर्ट मिलता रहता है। इसमें वाइब्रेशन है जो वाइब्रेट कर आपको नोटिफिकेशन की याद दिलाती रहती है। इसमें वाईफाई जैसे फीचर नहीं है, पर ब्लूटूथ वर्जन 4.2 दिया गया है जो आपके मोबाइल कनेक्टिविटी के काम आता है। कुल मिलाकर 1499 रुपये में ये काफ़ी ही अच्छा बैंड है। इसमें कुछ और फीचर होनी चाहिए थी लेकिन नहीं भी है, तो कम कीमत के अनुसार ये काफ़ी अच्छी बैंड है। मैं जल्द ही दूसरे कंपनी के बैंड का भी रिव्यू लेकर आऊँगा, उसको भी आप देखिएगा, और इसका एक कंपेयर भी लेकर आऊँगा जिससे आप इसको लेते समय कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बेटर है। तो जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक नए गैजेट के साथ, गैजेट 9 के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।